Assalamu alaikum my dear friends, my name is Shizam Maksud. Welcome back to new video on my YouTube channel. I hope you all are well, you will be fine, you will be So, in today's video, we are going to discuss upcoming smartphones. यानी के अक्टूबर का लास्ट चल रहा है यानी के एक दिन बाद जो नेक्स्ट मंथ है नवंबर वो स्टार्ट होने वाला है और ये महीना इस ईयर का यानी के 2021 का सेकंड लास्ट महीना होगा कुछ ज्यादा तो अपकमिंग नहीं है बट यहां पर ये एक बार ये करता करूं कि नेक्स्ट ईयर आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि न्यू फोन्स का एक मेस क्रिएट होने वाला है बहुत सा कंपटीशन मार्केट में आपको देखने को मिलेगा इसका फायदा ये होने वाला है कि कस्टमर्स के लिए एक बेस्ट और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी वाला जो कांसेप्ट है कि एक बेस्ट वैल्यू फॉर मनी जो फोन होगा वो कस्टमर्स को इजीली मिल जाएगा सो आज के वीडियो में हम जस्ट नेक्स्ट मंथ के लिए जो फोन्स लॉन्च होंगे पाकिस्तान मार्केट में वो डिस्कस करेंगे और एट द एंड इनके प्राइसेस और कुछ इनके फीचर्स को भी देखने वाले हैं पर यहां पर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यार जो दोस्त आपने से चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए क्योंकि चैनल की जो मोनेटाइजेशन है इसकी ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कम रह चुकी है और अभी तक हम अपने सब्सक्राइबर्स की जो गिनती है इसमें बहुत पीछे हैं इसीलिए जो लोग आपने से चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट नंबर पर जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो Vivo है और यहां पर आपको Vivo की Y21 डिवाइस देखने को मिल जाएगी इसकी जो लॉन्च डेट है उसको कंफर्म कर दिया गया है यानी कि 9 नवंबर को ये डिवाइस पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होने वाली है जिसमें आपको Vivo P35 की चिप मिलेगी इसके साथ में एक IPS LCD 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा और ये डिवाइस 4GB रैम के साथ में 64GB और 128GB और प्रो वाले वेरिएंट्स आपको मिलने वाले हैं साथ में 5000 mAh की बैटरी मिलेगी और साथ में ऑटो डिबॉक्स 18 वाट की चार्जिंग सपोर्ट अब अगर इसकी प्राइस को देखें तो ये डिवाइस अराउंड 28000 पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होगी अंडर 30000 आपको ये डिवाइस मिल जाएगी और 9 नवंबर को ये डिवाइस ऑफिशियल तौर पर पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होने वाली है अब जो दूसरे नंबर पर स्मार्टफोन ब्रांड है वो Realme है यानी कि आपको Realme Narzo 50 सीरीज भी देखने को मिल जाएगी इसमें दो डिवाइसेस एक्सपेक्टेड हैं जिसमें आपको 50A और 50i दो फोन्स मिलेंगे यहां पर आपको ऑलमोस्ट सेम ही स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी जिनमें आपको Vivo G85 का चिप मिलने वाली है और 6000 mAh की एक अच्छी बैटरी लाइफ आपको आउट ऑफ द बॉक्स इस डिवाइस में प्रोवाइड की जाएगी और ये सीरीज मिड ऑफ नवंबर पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च की जाएगी और यहां पर आपको एक मिड रेंज प्राइस सेगमेंट में ये दोनों फोन्स मिल जाएंगे अब जो 3 नंबर पर स्मार्टफोन ब्रांड है वो अगेन Realme है यानी कि Realme GT Master Edition ये डिवाइस नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च होने वाली है बहुत ज्यादा क्रेजी फोन होगा काफी ज्यादा टाइम से ये जो डिवाइस है ये चाइन मार्केट में लॉन्च कर दी गई है बट ग्लोबली इसको नेक्स्ट मंथ लॉन्च किया जाएगा बहुत ज्यादा क्रेजी फीचर्स के साथ में ये डिवाइस लॉन्च की जाएगी सेम स्पेसिफिकेशन आपको चाइन मार्केट वाले ही देखने को मिलेंगे देखें तो यहां पर आपको स्नैपड्रैगन 778G 5G का जो प्रोसेसर है वो मिलेगा क्वालकॉम का चिप मिलेगा और साथ में 5G प्रोसेसर है तो ये क्रेजी पार्टी डिवाइस का होने वाला है सुपर एमोलेड 6.4 इंच डिस्प्ले साइज मिलने वाला है ये डिवाइस आपको 8GB रैम के साथ में 128GB के साथ में 256GB रोम वाले वेरिएंट्स आपको मिल जाएंगे यहां पर 4300 एमएच की अच्छी बैटरी पैक की जाएगी एंड स्पेशली आउट ऑफ द बॉक्स 66 वाट की जो चार्जिंग सपोर्ट है वो आपको डिवाइस में मिलने वाली है बहुत ज्यादा क्रेजी फोन होने वाला है प्राइस टैग को देखें तो जिस प्राइस टैग में ये चाइनीज मार्केट में डिवाइस लॉन्च की गई है वो अराउंड 57 to 60,000 पाकिस्तानी मार्केट में बनता है बट यू नो यहां पर आपको कुछ टैक्सेस पे करने पड़ते हैं सो ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 65 to 70,000 पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होगी इस प्राइस रेंज में भी ये डिवाइस लॉन्च होते हैं तो आई थिंक ये एक बेस्ट और क्रेजी फोन होने वाला है नेक्स्ट डिवाइस है वो पोको की जानिब से है यानी कि पोको M4 Pro 5G फोन है इसकी भी जो लॉन्च टाइमलाइन है उसको कंफर्म कर दिया गया है यानी कि 9 नवंबर को ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाली है इसमें आपको डोमेस्टिक 810 5G का प्रोसेसर मिलने वाला है IPS LCD 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलेगा
5000 mAh की बैटरी के साथ 18W की चार्जिंग सपोर्ट मिलेगी। प्राइस टैग को देखें तो अराउंड 38,000 में ये डिवाइस लॉन्च होने वाली है। नेक्स्ट जो सीरीज है वो टेक्नो की जानब से है, यानी कि टेक्नो कैमन 18 सीरीज। बहुत ज्यादा क्रेजी सीरीज होगी जिसमें आपको 3 फोन मिलने वाले हैं, जिसमें आपको टेक्नो कैमन 18 P और 18 प्रीमियर तीनों फोन आपको मिलेंगे। बहुत ज्यादा क्रेजी फीचर्स के सामने ये तीनों सीरीज तीनों डिवाइसेस नेक्स्ट मंथ परसेंट मार्केट में लॉन्च होंगी। इसमें जो टेक्नो कैमन 18 फोन है ये आपको 2G88 चिप के सामने मिलेगा। IPS 6.8 इंचेस डिस्प्ले साइज होने वाला है। 90Hz का रिफ्रेश रेट आपको इस डिवाइस में प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पर जो टेक्नो कैमन 18P डिवाइस है ये आपको G96 के चिपसेट के सामने मिलेगा। सेम IPS 6.8 इंचेस का डिस्प्ले होगा और यहाँ पर आपको 120Hz का जो रिफ्रेश रेट है वो मिलने वाला है। अगर बात करें 18 प्रीमियर की तो यहाँ पर भी आपको G96 का ही जो प्रोसेसर है वो मिलेगा। सेम IPS 6.8 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिलेगा और सेम हाई रिफ्रेश रेट 120Hz का रिफ्रेश रेट आपको मिलने वाला है। यानी कि ओवरऑल ये तीनों डिवाइसेस क्रेजी फीचर्स के साथ पर्सनल मार्केट में लॉन्च होंगी। अब इनके प्राइस टैग को देखें तो जो टेक्नो कैमन है 18 फोन है ये अराउंड आपको 30,000 के प्राइस टैग में मिलेगा। 18P जो फोन है ये अराउंड आपको 35 के अराउंड पर पर्सनल मार्केट में मिलेगा। और जो टेक्नो कैमन 18 प्रीमियर सीरीज का टॉप वेरियंट ये अराउंड आपको 45,000 के प्राइस टैग में पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यानी कि ओवरऑल तीनों फोन से आपको क्रेजी फीचर्स के साथ में मिलेंगे। 6 नंबर पर जो सीरीज आती है वो इन्फिनिक्स नोट 11 सीरीज है, जिसमें आपको दो डिवाइसेज मिलेंगे। इन्फिनिक्स नोट 11 और इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो दो फोन नेक्स्ट मंथ पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको सेम फीचर्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको दोनों डिवाइसेस में सेम G96 का एक टॉप गेमिंग प्रोसेसर मिलने वाला है और IPS LCD 6.95 इंचेस का एक लार्ज डिस्प्ले मिलेगा। 5000 mAh की एक अच्छी बैटरी मिलने वाली है और 90Hz का आपको जो रिफ्रेश रेट है वो इन्फिनिक्स नोट 11 प्रो में मिलेगा। इन्फिनिक्स नोट 11 में अभी तक इसको कन्फर्म नहीं किया गया, बट आई होप कि यहाँ पर भी आपको 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। अब अगर इनकी हम प्राइस को देखें तो जो इन्फिनिक्स नोट 11 फोन है ये आपको अराउंड 30,000 के पास मार्केट में मिल जाएगा और जो नोट 11 प्रो फोन है ये आपको 40,000 के पास मार्केट में मिल जाएगा। ओवरऑल ये भी एक क्रेजी सीरीज होने वाली है। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन ब्रांड है वो ओप्पो है, यानी कि ओप्पो A16 के ये फोन भी नेक्स्ट मंथ पर्सेंट मार्केट में एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आपको वो पुराना प्रोसेसर U35 की चिप मिलेगी, एक IPS LCD 6.5 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा। ये डिवाइस दो वेरियंट्स के साथ में लॉन्च की जाएगी, जिसमें आपको 3GB रैम के साथ में 34GB और रोम वाला वेरियंट मिलने वाला है और 4GB रैम के साथ में 64GB और रोम वाला वेरियंट मिलने वाला है। 4000 mAh के एक लो बैटरी के साथ में ये डिवाइस पर्सनल मार्केट में लॉन्च होगी। और प्राइस को देखें तो ये डिवाइस अराउंड 22,000 पर्सनल मार्केट में लॉन्च होने वाली है और ये डिवाइस भी आपको नेक्स्ट मंथ 15 नवंबर के बाद ही पर्सनल मार्केट में देखने को मिल जाएगी। जो नेक्स्ट स्मार्टफोन ब्रांड है अगेन ओप्पो है, यानी कि ओप्पो रेनो 7 सीरीज की पर्सनल मार्केट में नेक्स्ट मंथ एक्सपेक्टेड है। यहाँ पर आपको दो फोन देखने को मिलेंगे, जिसमें ओप्पो रेनो 7 और ओप्पो रेनो 7 प्रो दो फोन होने वाले हैं। तीनों के ओप्पो की जो रेनो सीरीज है इसकी तीन जो लाइन है इस सीजन लॉन्च की जाएंगी, जिसमें रेनो 5 सीरीज को स्कॉर्पियो लॉन्च किया गया था, रेनो 6 सीरीज को रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही में रेनो 7 सीरीज को भी नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। इसमें आपको दो डिवाइसेज रेनो 7 और 7 प्रो दो डिवाइसेज मिलेंगी। ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टवेयर सेम हार्डवेयर आपको प्रीवियस रेनो सीरीज की तरह मिलने वाली है। देखें तो यहाँ पर आपको जो रेनो 7 फोन है इसमें आपको डायमेंसिटी 920 की जो चिप है वो मिल सकती है, एक MLED 6.4 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिलेगा, 90Hz का रिफ्रेश रेट मिल जाएगा। जो ओप्पो रेनो 7 प्रो फोन है ये आपको 1200 डायमेंसिटी 5G प्रोसेसर के सामने मिलने वाला है, सेम आपको MLED 6.4 इंचेस का डिस्प्ले साइज मिलेगा। रिफ्रेश रेट को देखें तो 90Hz पे रिफ्रेश रेट मुझे 200 रुपये में देखने को मिला है
बट आई थिंक यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का जो रिफ्रेश रेट है वो प्रो वेरिएंट में प्रोवाइड किया जा सकता है। ओवरऑल यहाँ पर जो एक चेंज किया गया है, जो मेजर चेंज है, वो आपको 7 यानी कि बेस वेरिएंट में भी 66 वाट की जो चार्जिंग सपोर्ट है वो इस दफा रेनो 7 में प्रोवाइड कर दी गई है। अपन की प्राइस को देखें तो जो रेनो 7 है वो आपको 60,000 प्राइस टैग में मिल सकता है, और जो 7 प्रो फोन है ये अराउंड आपको 110K मार्केट में मिल जाएगा। नेक्स्ट जो फोन है वो अगेन ओप्पो का ही है, यानी कि ओप्पो A95 4G एडिशन। ये डिवाइस नेक्स्ट मार्केट में लॉन्च हो सकते हैं, और काफी ज्यादा टाइम से इस डिवाइस के रिलेटेड जो लीक्स और रूमर्स वो देखने को मिल रहे थे। तो यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन 662 की जो चिप है वो भी मिल सकती है, और वीवो P95 की जो चिप है वो भी इस डिवाइस में एक्सपेक्टेड है। बाकी जो ज्यादातर चांसेस है वो स्नैपड्रैगन 662 चिप के होने वाले हैं। आगे बढ़े तो यहाँ पर आपको एक AMOLED 6.4 इंच का डिस्प्ले मिलेगा, 5000mAh की बैटरी मिलेगी, और जो मेजर थिंग है इस डिवाइस की वो ये होने वाली है कि एक मिड रेंज प्राइस टैग में, एक लो मिड रेंज प्राइस टैग में आपको डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और एक अच्छा डिस्प्ले यानी कि AMOLED डिस्प्ले प्रोवाइड किया जाएगा। प्राइस को देखें तो ये डिवाइस अराउंड 40,000 तक पर्सनल मार्केट में एक्सपेक्टेड है। सो ये थी डिवाइसेज जिन जो नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान मार्केट में लॉन्च हो सकती हैं। इनमें आपको बहुत सी क्रेजी डिवाइसेज भी मिलेंगी, जिसमें आपको एंट्री लेवल, मिड रेंज और मिड रेंज प्राइस टैग वाले फोन भी देखने को मिल जाएंगे, और बहुत से फोन हैं जो नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान मार्केट में लैंड होने वाले हैं। सो ये थी एक वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। तो नेक्स्ट वीडियो तक के जा दीजिए, दिस इज मी शदा मंसूर, अल्लाह।